स्वतंत्रता दिवस है, उसी के दृष्टिगत यहाँ पर सुरक्षा कड़ी की गई है और ये सुरक्षा पहले से चली आ रही है लगातार, और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस है उसके साथ मिलकर के जो हमारा दिल्ली प्रवेश का सीमा पॉइंट है, जो हमारा नोएडा में प्रवेश करने वाला पॉइंट है, ऐसे सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस फोर्स पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में हम लोगों ने स्टार्ट कराई है, जो लगातार अनवरत जारी है, रात्रि में भी हो रही है और आप दिन में भी जितने भी हमारी संदिग्ध गाड़ी है, कोई दो पहिया है, चार पहिया है, उनकी हम लोग तलाशी ले रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई कमी ना रह जाए। जितने भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल है, वहाँ पर हमारी जो DDDS है, हमारी एंटी सेबोटाज टीम है, उसको लेकर के भी जगह जगह विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में ये टीमें पुलिस कमिश्नर महोदया के नेतृत्व में लगी हुई हैं, निर्देशन में लगी हुई हैं, और हम लोग ये आगामी जो स्वतंत्रता दिवस का हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग वॉच टावर से भी अपनी फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिबंधित रहेगा 15 अगस्त को लेकर? 15 अगस्त को हम लोगों ने जो यहाँ पर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैवी व्हीकल जो मुख्य रोड है वहाँ पर बंद कर रखा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया हमारी जो निगरानी टीम है वो भी काम कर रही है, कहीं पर कोई असामाजिक तत्व कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।